बड़ी खबर लखनऊ से बता दें, जहां बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर का विरोध प्रदर्शन, साइकिल बैलगाड़ी से ये विधानसभा जा रहे हैं, तो अपने विधायकों के साथ विधानसभा की ओर जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ भी ये धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को वापस लेने की मांग यहां पर, और इसी मांग को लेकर ये प्रदर्शन जोरों पर। गगन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, पेट्रोल और डीजल के दामों में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, 19 दिन हो गए हैं और लगातार यह इजाफा देखने को मिल रहा है, और लोगों की भी यहां पर अपील है कि जल्द से जल्द इन दामों को वापस लिया जाए, लेकिन विपक्ष ने इसे एक मुद्दा बना लिया है और अब इस मुद्दे के तहत प्रदर्शन भी शुरू हो गए। क्या अपडेट अभी तक? देखिए बिल्कुल, क्योंकि पेट्रोल डीजल के जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं उसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में विपक्ष लामबंद हो रहा है और लगातार मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहा है। उसी को लेकर आज सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, वो साइकिल से निकले हैं और विधानसभा जाने के लिए कह रहे हैं कि विधानसभा जाना है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। साफ तौर पर वो तख्तियां भी लिए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि पेट्रोल डीजल के बड़े दाम वापस लो, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, खासकर डीजल के, उसके बाद साफ तौर पर विपक्ष का आरोप है कि सिर्फ डीजल के रेट नहीं बढ़ रहे हैं, उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा होगा। हम बात भी करते हैं उनसे। क्या मांग लेकर के जा रहे हैं? देखिए, आपके सामने है, 73 साल में पहली बार डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया। अभी कल दिल्ली का रेट आपने देखा। बढ़ती हुई महंगाई से जब सत्ता में बीजेपी नहीं थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा, तब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन किए कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, नौजवान परेशान होता है, किसान परेशान होता है। भाई ठीक है, नौजवान परेशान, किसान परेशान होता था उस समय, तो आपको दिखाई दिया। आज आप सत्ता में हो, आज आप डीजल पेट्रोल की महंगाई आपको नहीं समझ में आ रही है, गैस की महंगाई। सरकार 1 करोड़ नहीं आ रही है, सरकार सिर्फ कागज में दे रही है। हम जहां हैं, जिस मोहल्ले में, यहां पता कर लीजिए, किसी को नहीं मिला। हम जिस जिले से आते हैं, बलिया बनारस से, किसी को नहीं मिला है। ये सिर्फ कागज में, इनके अधिकारी कागज में बता रहे हैं, मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। जी आपको साइकिल से रोक लिया गया? बिल्कुल जाएंगे, काहे नहीं जाने देंगे? चल के सड़क पर रोके लोगों को, हम अकेले जाएं तो क्यों नहीं जाने देंगे? नहीं, आपने कहा था बैलगाड़ी से निकलेंगे, और बैलगाड़ी हमारे पास नहीं है, हमारे पास साइकिल ही है। खास आपकी नाराजगी क्या है? हमारी नाराजगी देखिए, पेट्रोल और डीजल का जो दाम बढ़ रहा है, इससे गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है। आज जो वादा इन्होंने किया था कि हमारी सरकार बना दो, याद होगा प्रधानमंत्री जी बैठे थे और रामदेव जो चंदन तस्कर है, जिसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, आज भी घूम रहा छुट्टा साढ़ की तरह, वो बोल रहा था कि 30 रुपया पेट्रोल बेचवाएंगे, टैक्स नहीं लगेगा, बोला था ना, और 2 करोड़ नौकरी मिलेगा। उत्तर प्रदेश में केवल आप ही दिख रहे हैं डीजल और पेट्रोल के विरोध में, ना बाकी जो विपक्ष दल है, ना समाजवादी पार्टी सामने दिख रही, ना बसपा दिख रही है। देखिए, हम दूसरे की बात नहीं, अगर मुझे दर्द है तो दवाई तो मैं खाऊंगा कि दूसरा कोई खाएगा? हमको बुखार है तो हम दवाई खाएंगे ना। तो ये सरकार आपको जाने देंगे क्योंकि पुलिस खड़ी हुई? बिल्कुल हम तो जाएंगे भैया, अरे हम विधायक हैं, एक आदमी अपने गनर को लेकर जाएंगे, क्यों नहीं जाने देंगे? ये उल्लंघन कर रहे हैं सरकार का, कानून का कहां उल्लंघन कर रहे हैं, क्यों नहीं जाने देंगे? फिलहाल धारा 144 लागू है, उसके बावजूद पुलिस का कहना है कि यहाँ पर लोग नहीं जा पाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो भी सुभाषपा के विधायक हैं, 4 विधायक हैं, वो जो विधानसभा है वहाँ तक जाने की कवायद कर रहे थे, लेकिन फिलहाल पुलिस पूरी तरह से इन्फोर्समेंट लगी हुई है, जाने नहीं दिया जा रहा है। हम बात करते हैं अब यहाँ के CEO अभय मिश्रा से कि सर यहाँ पर जिस तरह से निकले हैं, क्या रोका जा रहा है, किस लिए रोका जा रहा है? अभी बाद में, पहले बात कर लेंगे। धारा 144 का विरोध ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं? DCP साहब हमारे मौजूद हैं, फिलहाल पुलिस अभी, क्योंकि धारा 144 लागू है और यहाँ पर जिस तरह से विरोध जताया जा रहा है, बैलगाड़ी की बात कही गई थी, बैलगाड़ी तो नहीं आ पाई, लेकिन अब ये सुभाषपा के जितने भी विधायक हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, वो विधानसभा के लिए कूच कर रहे हैं, पुलिस रोक रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये विधानसभा पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते, लेकिन साफ तौर पे अब जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं उससे विपक्ष लामबंद हो चुका है और उत्तर प्रदेश में आघात भी हो गया है, जिस तरह से कांग्रेस के बाद सुभाषपा सड़कों पर उतर चुकी है। जी रितु, बिल्कुल सड़कों पर सुभाषपा नजर आ रही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो जाकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए।
लेकिन गगन देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल के दामों में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, जाहिर सी बात है अभी सरकार को घेरा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब उनकी पार्टी नहीं थी तब वो भी घेरते थे। तो ऐसे में अभी कुछ बयान सरकार की तरफ से इसको लेकर सामने आया हो? देखिए बिल्कुल, सरकार लगातार इस पे यही कहते आ रही है कि जो पेट्रोल डीजल के रेट हैं वो प्राइवेट कंपनी के हवाले थे, 10 पैसा 5 पैसा बढ़ रहा है क्योंकि इंटरनेशनल जो रेट है वो उसके तहत ही भारत में बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 रुपये बढ़ाया गया था जब कोविड संकट था और कोरोना काल में जब 2 रुपये वैट में बढ़ोतरी की गई थी तो लोगों ने उसका स्वागत किया था। हालांकि उत्तर प्रदेश में उतना ज़्यादा प्रभाव असर नहीं पड़ रहा है, अभी भी रेट उतना जितना दिल्ली में रेट डिफरेंस है उतना डिफरेंस उत्तर प्रदेश में नहीं सामने आ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि डीजल की बढ़ोतरी से तमाम ट्रांसपोर्टेशन में फर्क पड़ने वाला है। जो ट्रांसपोर्टेशन से सामान आता है, चाहे वो सब्जियां हो या फल हो या भी अन्य सामान जो हैं, वो महंगा होने की आशंका है। इसी को लेकर विपक्ष भी काफी आशंकित है और जो आम लोग हैं वो भी आशंकित हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि डीजल का रेट जो बढ़ रहा है उससे ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन से जो सामान है वो महंगा होगा, उससे महंगाई बढ़ सकती है। फिलहाल सरकार का दावा यही है कि किसी प्रकार से महंगाई नहीं बढ़ने वाली है, जिस तरह पहले चला आ रहा था उसी तरह चलाएगा। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ी बहुत डीजल जो महंगा हो रहा है उसको सरकार रिवाइज करेगी और रिवाइज कर भी रही है, किस तरह से उसको और कम किया सके उस पर अभी मंथन चल रहा है फिलहाल। लेकिन लगातार जिस तरह से बढ़ रहे हैं ये दाम डीजल और पेट्रोल के, डीजल का लेकर कभी अनुमान भी नहीं लगाया गया था कि इतना दाम डीजल का यहाँ पर पहुंच जाएगा कि वो पेट्रोल की कीमत को भी पार कर लेगा। खैर, यहाँ पर तो विपक्ष का हमें देखने को मिल रहा है प्रदर्शन की किस तरह से विपक्ष भी यहाँ पर सरकार को लेकर लामबंद है और जो महंगाई बढ़ रही है उसको रोकने की मांग की गई है। लेकिन अगर दूसरी तरफ लोगों की तरफ हम रुख करें तो लोग भी इस बार कहीं ना कहीं यहाँ पर मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो संकट है उस संकट में कम से कम महंगाई का बोझ तो सरकार ना डाले। तो क्या लोगों से भी अब विरोध के सुर उठा देखने को मिलेंगे, प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा लोगों का भी अब? देखिए ऋतु, जब कोरोना काल के बीच में योगी कैबिनेट ने एक जो वैट की बढ़ोतरी की थी जिसमें सीधा प्रभाव पेट्रोल में पड़ रहा था, लगभग 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, उस दौरान जब आम लोगों से बातचीत हम लोग ने की थी तो साफ तौर पे उनका कहना था क्योंकि कोरोना संकट में सरकार को भी राजस्व की जरूरत है और लगातार 2 महीनों से सभी औद्योगिक यूनिट बंद थी, आबकारी विभाग बंद था जिससे सबसे ज़्यादा राजस्व आता था, पेट्रोल और डीजल की भी ज़्यादा खपत नहीं हो रही थी, उसको लेकर सरकार राजस्व का नुकसान हो रहा था। इसी को लेकर जब बढ़ाया था तब तो आम जन इतना आशंकित नहीं था, इतना नाराज नहीं था। लेकिन अब जब विपक्ष दल सड़कों पर उतर रहा है और लोगों को यह एहसास हो रहा है कि सच में पेट्रोल डीजल के रेट अब बढ़ चुके हैं, अब बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं और ये लगातार बढ़ जा रही है 19वां दिन जहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन लगाम कब लगेगी इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं। बस जनता यही है कि आस लगाई बैठी है कि आखिरकार राहत उसे कब मिल पाए। धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए।